नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जबलपुर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने फ्लैग मार्च निकालने के पीछे आने वाले त्यौहार और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का मकसद बताया, लेकिन जबलपुर संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। CAA और NRC को लीकर इसके पहले जब देश में चर्चाएं शुरू हुई थी तो मध्य प्रदेश में जबलपुर ही एकमात्र ऐसा शहर था जहां हिंसक आंदोलन हुए थे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जमकर पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े थे। पहले बनी ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसलिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी बनी हुई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इलेक्शन के आचार संहिता लागू होने से पहले, और क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है और हमें CAPF की कंपनी मिली है और लगातार आने वाले इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराया जाए, इसके लिए 8 से रूट मार्च और डोमिनेशन मार्च की शुरुआत की जा रही है और अभी सभी ऑफिसर्स उस रूट मार्च में रहेंगे और उसके अलावा ये इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले इलेक्शन जो है वो शांतिपूर्वक कराया जाए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।